में काफी जगह जगह पर अभी हमने ये जो बैठक की है, ये हमारी संगठनात्मक बैठक महिला मोर्चा की यहाँ पर अभी हुई है। इसमें चुनाव को लेकर काफी विस्तार से हमने चर्चा की है कि किस तरह से मातृशक्ति आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस लोकसभा चुनाव को जीतने का काम करें और अहम भूमिका निभाकर, क्योंकि नारी शक्ति, आपने पिछले इतिहास को भी हम अगर खोल कर देखेंगे, पन्ने पलटेंगे, तो आपने हमेशा देखा है कि नारियों ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमेशा नारी ने आगे बढ़कर के देश की अस्मिता पर जब जब बात आई तो आगे बढ़कर उसको बचाने का काम किया है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि पिछली दो योजना से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किस तरह से देश का विकास किया है, किस तरह से देश को नई दिशा और नई गति देने का काम किया है, यह हम सब से किसी से छुपा नहीं है। और आप सबके माध्यम से मैं हरियाणा की 1,37,00,000 आबादी महिलाओं की है, उन बहनों की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाती हूँ कि हरियाणा के अंदर जितनी शक्ति के साथ, एकजुटता के साथ इस चुनाव में उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान करती है और घर घर जाकर के, क्योंकि मोदी जी अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने सभी बहनों के लिए राम राम भेजी है। और ये मेरी बहनें, जितनी भी हमारी महिला मोर्चा की बहनें या सामाजिक क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाने में जितना काम कर रही हैं, वो सभी जाकर घर घर जाकर मोदी जी की राम राम उन बहनों तक पहुंचाने का काम करेंगी। और ये बहनें हरियाणा की इतना मोदी जी से प्यार करती हैं, इतना इनमें उत्साह है, क्योंकि आपने देखा राम मंदिर जो पिछले 500 साल से हमारे पूर्वजों ने टूटते देखा, लेकिन आज हम इसके साक्षी हैं, ये बहनें, कि आज हमने भगवान राम को और उस मंदिर को बनते देखा और स्वयं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके 22 जनवरी को यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा धर्म का काम किया है कि भगवान राम को उनके घर में विराजमान कराया। और 22 जनवरी को हम सब ने भारत के अंदर ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर दिवाली मनाई। तो आप सबके माध्यम से मैं ये महिला शक्ति संकल्प लेती है कि हम सब मिलकर के आने वाले हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों जीत करके बहुत बड़ा सहयोग भारत देश के लिए करने वाले हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। जी मैडम, जिस तरह से अभी गठबंधन टूटा है बिल्कुल चुनाव के वक्त, आपको लगता नहीं कि इसका कुछ खमियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, या बदलाव जो किया गया है उसका असर कितना रहेगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक बदलाव की है, बदलाव पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का अपना निर्णय है और पार्टियों में बदलाव होते रहते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से यशस्वी हमारे मनोहर लाल जी ने जो काम हरियाणा के लिए दिशा और गति देने का काम किया, सबका साथ सबका विकास, एक साथ हरियाणवी एक, हरियाणा एक का जो नारा दे करके बहुत अच्छा उन्होंने सरकार को चलाया। और जितना ज़्यादा विकास हरियाणा के अंदर, चाहे वो महिला का हो, चाहे वो युवा का हो, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो नई पीढ़ी का हो, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है और महिलाओं को तो विशेष तौर पर इतना ज़्यादा उन्होंने सम्मान दिलाया है। देश के प्रधानमंत्री ने जो जो योजनाएं बहनों के लिए लेकर आए, चाहे वो लखपति दीदी कह लो, चाहे वो आपका ड्रोन दीदी कह लो, अभी ये जो नई स्कीमें यहाँ पर आई हैं, 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, उसमें 2 करोड़ लखपति दीदी हम लोग बना चुके हैं और अभी वो संकल्प जारी है। और हम लोग भी आपके माध्यम से, हमने भी यशस्वी हमारे मनोहर लाल जी ने जो उनका भी ये संकल्प था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के अंदर भी लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बनाने का काम करेंगे। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए उन्होंने जितने काम किए, आपने देखा पहले हमारी जो बहनें मुरब्बे, पापड़, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये छोटे छोटे काम जो घरों में करती थी, उनको मान रहे हैं कि कोई गठबंधन टूटने से कोई खास असर नहीं, नहीं हमें कोई खास असर नहीं पड़ा। आपने देखा हमने बड़ी ईमानदारी के साथ उनके साथ सरकार चलाई है,
और सरकार ने निश्चित तौर पर पूरी तरह से अपना काम ईमानदारी के साथ किया है। मनोहर लाल जी की सरकार ने बहुत ही उम्दा हरियाणा के लिए काम किया है और हरियाणा बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा है। और अब नायब जी भी उन्होंने जो काम उनके हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और नायब जी के नेतृत्व में भी सरकार बहुत अच्छी चलने वाली है, उसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। मैडम, भारत के अंदर संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र के अंदर जो सांसद चुन के आते हैं वो अपने तय चुनते हैं, जिस पार्टी का बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री बनाते हैं। आप अभी से कैसे दावा कर रहे हो, लोगों को थोप रहे हो कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे और उन्हीं के वोट दो? नहीं, हम थोप नहीं रहे। 140 करोड़ भारत की जनता के दिल में वो बैठे हुए हैं, तो जनता ने सोचा हुआ है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। नहीं नहीं, निश्चित तौर पर वोटों के, आप अपने दिल से पूछ लीजिए। नहीं, आप अंदर झांक के अपने दिल से पूछ लीजिए। हम तो अभी किसी को नहीं सोच सकते ना। नहीं नहीं, हम अपना प्रतिनिधित्व नहीं नहीं सोचे। मैंने आपकी बात नहीं की, हमने 140 करोड़ भारत की जनता की बात की है कि उनके दिल के अंदर मोदी जी बैठे हैं और जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है और जो हमारा सोने की चिड़िया भारत जो कहलाता था उसको अंग्रेजों ने लूट खाया था, उसको पुनः भारत के ये यशस्वी प्रधानमंत्री सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगे और इस लक्ष्य के लिए मात्र शक्ति उनके साथ खड़ी है और वो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और अच्छे बहुमत के साथ बनेंगे। मैडम, सोने की चिड़िया जब बनेगा तब देश बनेगा, लेकिन क्या 2024 के चुनाव में सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा या कहीं महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर भी कोई बात होगी? नहीं, मुद्दे हमारे हैं, मुद्दों के लिए तो हम घर घर सुझाव ले रहे हैं, हमारे सुझाव हम दे रहे हैं, जो जैसा जनता का सुझाव होगा, जो जनता अपना भाव रखेगी उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। राम मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, सनातन धर्म की संरक्षण दिया है हमारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने, तो वो कोई मुद्दा नहीं है, वो धर्म का काम है, उसके ऊपर हम राजनीति नहीं करते, राजनीति उस पर दूसरे लोग करते हैं, हमारा काम नहीं है। जब सीधा राम राज्य की स्थापना देश के अंदर हो गई और काला धन, तो आप सबको पता है कौन काला धन दबाए बैठे थे और कौन काला धन वापस लेकर आए, ये सबके सामने। तो दबाए बैठे थे, उनको पकड़ नहीं पाया आप, और उल्टा जिनको पहले पकड़ा गया था वो बरी हो गए, उनके सोचे गए था, आपको ध्यान भी होगा। तो कहने का मतलब है कि ये मुद्दे आपको लगता नहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा? पुराने मुद्दे छोड़ दीजिए, बीजेपी को कहीं कोई नुकसान नहीं है, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, बीजेपी को पूरी जनता एक्सेप्ट कर चुकी है कि अगर देश का कोई कल्याण कर सकता है, यशस्वी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है, उसके अलावा भारत देश किसी के हाथों में सुरक्षित नहीं है, ये जनता मान चुकी है, ये जनता के जहन के अंदर आ गया। जनता ही मांग कर रही है जी कि नरेंद्र मोदी के ही वचन थे कि काला धन मैं लेके आऊंगा और इतना काला धन आ जाएगा कि 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे। 15-10 साल हो गए इन बातों को, तो उन बातों के ऊपर क्या जवाब है मोदी जी का? आप इंतजार करिए, अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, जब जितनी गंदगी देश के अंदर थी उसको सफाई करने में समय लगता है और धीरे धीरे वो काम जो उन्होंने उठाए वो सब चल रहे हैं, और थोड़ा बिल्कुल सफाई हुई है, 100% सब पकड़े गए, आपको सब पता है, सब पकड़े गए, वो भी पता होगा, सब पकड़े जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला, किसी को नहीं छोड़ेंगे। नया मुद्दा पुरानों को छोड़ के, ना ना, ऐसा कोई मुद्दे की बात नहीं है, सब ईमानदारी की राह पर, ईमानदारी और विकास की नीतियों पर हम काम करते हैं और उसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। 2014 वाले मुद्दे 19 में नहीं थे, 19 में मुद्दा था, आप ये बताइए ना, जो आप विपक्ष की बात करें उनके हाथ में है क्या, कुछ है क्या? पहले विपक्ष के क्या हाथ में आज बताइए, विपक्ष के साथ कौन खड़ा है? उनके अपना गठबंधन तो जुड़ नहीं पा रहा है, वो अपना देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, हम लोग ईमानदारी के रास्ते पर, देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उसी नीति पर, उसी दिशा पर हम काम कर रहे हैं और वही जनता है जो हमारा साथ देकर पुनः एक बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा मानस जनता बना चुकी है। आप महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं और महिला की टिकट कट गई है, देखिए ये सब
महिला की टिकट कट गई नहीं कटगी ये की बात तो बीजेपी करती आ रही है। नहीं एक मिनट एक बहन की सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, यहाँ स्थाई कुछ भी नहीं है पार्टी के अंदर, सब जगह सब परिवर्तन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि महिला की टिकट कट गई तो महिला को टिकट नहीं मिली, हमने बंतो कटारिया जी को टिकट मिली है हमारी को, तो ऐसा बोलना ही नहीं है कि अब ऐसा थोड़ी है कि मैं अध्यक्ष बन गई तो हमेशा मैं ही अध्यक्ष बनी रहूंगी। सबका अपना अवसर है, सबका अपना ध्यान है। और जैसे चार टिकटें बची हैं कि कोई महिला को टिकट मिलेगी, बिल्कुल हमें विश्वास है पार्टी पर। और पार्टी ने जिस तरह 33% का आरक्षण पार्टी ने महिलाओं को देख करके उनको सक्षम बनाने का, लोकसभा विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ाने का जो निर्णय लिया है, ये हमारे लिए छोटा सम्मान नहीं है, बहुत बड़ा सम्मान है। आपने देखा 50% हमारे यहाँ पर आपकी सरपंच हमारी बहनें जितनी ज्यादा से ज्यादा इस बार चुनकर आए, आपने इससे पहले कभी 10 साल से पहले देखा था? 33% के साथ 3 महिलाओं को टिकट मिलनी चाहिए इस बार लोकसभा में। देखिए ये निर्णय पार्टी के हैं और पार्टी जो निर्णय लेगी अच्छा लेगी। हम सभी जितनी भी प्रदेश की महिलाएं पार्टी के साथ हैं और उन निर्णय के साथ हैं। नहीं क्यों नहीं दिलाएंगे, पार्टी खुद ही हमें दे रही है तो मांगने की जरूरत नहीं है ना। जब पार्टी खुद आरक्षण दे रही है हमको, 33% का प्रावधान दे दिया है तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं मिलेगा अपने आप मिलेगा। हमारे यहाँ 6-7 महिलाओं ने किया था जी, 33% वाली 3 महिलाओं को 2 महीना मिलेगी टिकट। ये हमने बोला, हमें देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है और हम सब उनके निर्णय के साथ हैं। जो निर्णय लेंगे हम शक्ति के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। धन्यवाद।